मुंबई से आपको बता रहे हैं, मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की गई है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने ये मांग उठाई है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की गई है कि मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न दिया जाए और ये मांग कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने उठाई है। पत्र में कहा है कि मुलायम सिंह यादव ने पिछड़े लोगों के लिए काम किया है। मुलायम सिंह यादव ने हमेशा ही लोगों की सेवा की है। मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। ये मांग उठाई है कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने। तो मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की गई है और ये मांग कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने उठाई है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की और इस पत्र में जिक्र किया गया है कि पिछड़े लोगों के लिए मुलायम सिंह यादव ने बहुत काम किया है। मुलायम सिंह यादव ने हमेशा ही सभी लोगों की सेवा की है और इसलिए मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो भारत रत्न देने की मांग की है, लेकिन ये मांग कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान की तरफ से उठाई गई है। मुंबई से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग उठाई है और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। इस पत्र में जिक्र किया गया है पिछड़े लोगों के लिए मुलायम सिंह यादव ने बहुत काम किया है, उन्होंने हमेशा ही लोगों की सेवा की है और इसलिए ही मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। मुंबई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग उठाई गई है कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष की तरफ से। ये मांग उठाई है, नसीम खान ने ये पत्र लिखा है और ये पत्र जो है आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान की तरफ से ये पत्र लिखा गया है। पत्र में तमाम बातों का जिक्र किया गया है, मुलायम सिंह यादव ने जो काम किए हैं, कहा है कि पिछड़ों के लिए सर्वाधिक काम किया है मुलायम सिंह यादव ने और हमेशा ही सभी लोगों की, उत्तर प्रदेश वासियों की सेवा की है मुलायम सिंह यादव ने, इसके लिए उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। इसके लिए पत्र लिखा गया है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को इस पत्र के जरिए जो है भारत रत्न देने की मांग उठाई गई है। तो भारत रत्न देने की मांग तो उठाई, लेकिन उन तमाम बातों का जिक्र किया है जो मुलायम सिंह यादव ने कार्य किए हैं लोगों की सेवा के लिए। तो मुंबई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की गई है, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने पत्र लिखा, पत्र में जो है उन तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया है नसीम खान की तरफ से कि मुलायम सिंह ने हमेशा जो है लोगों के लिए काम किया है, लोगों की सेवा की है और ख़ास तौर से पिछड़ों के लिए बहुत जो है आगे रहकर उन्होंने काम किया, पिछड़ों के लिए सर्वाधिक काम किया है और हमेशा ही सभी लोगों की, उत्तर प्रदेश वासियों की सेवा भी की है और इसके लिए मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, ये पत्र लिखा गया है कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान की तरफ से।